हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज का ये जो वीडियो रहेगा, इसमें हम लोग एक आरबीआई की गाइडलाइन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आरबीआई ने अभी हाल ही फिलहाल में एक फ्रेमवर्क रिलीज़ किया हुआ है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आरबीआई कहता है नाम से हम लोग अपनी एक सीरीज चलाते हैं, जो कि बैंकिंग मास्टर जो हमारा बैच है, पेड बैच है, उसी का एक पार्ट है, जहाँ पर हम लोग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस तो डिस्कस करते ही करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ में हम लोग वहाँ पर आरबीआई से रिलेटेड जो भी सर्कुलर्स होते हैं, आरबीआई के जो गाइडलाइंस होते हैं, जो आरबीआई के फ्रेमवर्क होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग आरबीआई कहता है वाली सीरीज में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये सारी वीडियोज़ जो हैं आप लोगों को पेड बैच में मिल जाएंगे, और इसकी पीडीएफ वगैरह भी आप लोगों को अवेलेबल कराई जाती है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक दिया गया है, पीडीएफ आप लोग कैसे परचेज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। और अगर आप लोग कोई भी परचेज करना चाहते हो तो जाकर आप लोग वहाँ पर देखकर चीज़ों को परचेज कर सकते हो। फिलहाल आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, अभी आरबीआई ने हाल ही फिलहाल में यानी कि 25 मार्च 2022 को अपना एक फ्रेमवर्क जारी किया हुआ है, उसके बारे में हम लोग इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जो कि किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आरबीआई की जो भी गाइडलाइंस होती हैं, सर्कुलर्स होते हैं, वो किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, खासतौर से जो हमारे स्केल 2 GB वगैरह के होते हैं, स्केल 3 के एग्जाम होते हैं, वहाँ पर इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आरबीआई रिलीजेस फ्रेमवर्क फॉर जियो टैगिंग ऑफ पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट्स। आरबीआई ने अभी हाल ही में 25 मार्च 2022, डेट याद रखना, कई बार ये क्या होता है कि डेट भी पूछ ली जाती है ना। कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि जिस डेट को आरबीआई के द्वारा फ्रेमवर्क रिलीज किया जाता है, या नोटिफिकेशन या सर्कुलर जो भी है रिलीज किया जाता है, वो डेट भी बता दिया करो। तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि अब जो भी फ्रेमवर्क, जो भी गाइडलाइन जिस डेट को रिलीज की जाती है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी जाती है, ठीक है। तो आरबीआई ने अभी हाल ही में 25 मार्च 2022 को पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट्स के लिए जियो टैगिंग फ्रेमवर्क रिलीज किया हुआ है, ठीक है। क्या रिलीज किया हुआ है? जियो टैगिंग, ठीक है ना। जियो टैगिंग फ्रेमवर्क आरबीआई के द्वारा रिलीज किया गया है। एक बार पूरा ना कंटेंट आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, ये पूरा का पूरा कंटेंट इस तरीके से पीडीएफ में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है ना, इस तरीके से है। और ये जो भी कंटेंट में है, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, बार बार मैं स्लाइड चेंज नहीं करूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन करके रखी हूँ, सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी, और ये सब कुछ आपको पीडीएफ में मिलेगा, ठीक है ना। वहाँ से आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हम लोग पीडीएफ अपनी दे रहे हैं, वहाँ पर हम लोग उसका आरबीआई का जो सर्कुलर का लिंक होता है, डायरेक्ट लिंक भी हम लोग इंक्लूड कर दे रहे हैं, जिससे कि किसी को जाकर वहाँ से पढ़ना हो तो वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हो। हालांकि वहाँ पर जो आरबीआई की वेबसाइट वगैरह होती है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनडेप्थ में चीज़ें दी रहती हैं, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, ठीक ना। हम यहाँ पर वही सारी चीज़ें पढ़ते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो फिर भी मैं एक लिंक दिया करूँगा, जहाँ से जाकर आप लोग उन सारी चीज़ों को देख पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं सर्कुलर में आरबीआई के, एक एक करके हम लोग सारी चीज़ों को पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक ना। जो भी एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें होंगी, वही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक। तो 25 मार्च 2022 को अभी आरबीआई ने पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट्स के लिए जियो टैगिंग फ्रेमवर्क रिलीज कर दिया है, और इसी फ्रेमवर्क के बारे में क्या क्या है सारी सारी चीज़ें जानते हैं। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के सेक्शन 18 और सेक्शन 10(2) के तहत में ये फ्रेमवर्क रिलीज किया गया। सबसे पहले तो ये भी जान लो कि किसके किसके तहत में किया गया। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के सेक्शन 10(2) और सेक्शन 18 के तहत में ये फ्रेमवर्क जो है रिलीज किया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है, जियो टैगिंग। थोड़ा सा जियो टैगिंग के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे लोगों को पता होगा जियो टैगिंग, लेकिन जिसको नहीं पता है उसको बता देते हैं, क्योंकि जब तक जियो टैगिंग हम लोग अच्छे से नहीं समझेंगे कि जियो टैगिंग क्या होता है, तब तक इस फ्रेमवर्क के बारे में हम लोग नहीं जानेंगे क्यों जारी किया गया, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो जानते हैं कि जियो टैगिंग क्या होती है। देखो, जियो टैगिंग की मदद से किसी भी चीज़ की जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स की जानकारी हमको मिलती है, ठीक है ना। जियो टैगिंग की अगर हम लोग बात करें, तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जियो टैगिंग रेफर्स टू कैप्चरिंग द जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ द पेमेंट टच पॉइंट डेवलप्ड बाय द मर्चेंट टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम देयर कस्टमर्स, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें आसान भाषा में समझते हैं, हिंदी में समझते हैं, जिससे कि चीज़ें समझ में आए। जियो टैगिंग की मदद से किसी भी चीज़ की, किसी भी वस्तु की, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स, यानी कि लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, हिंदी में कहें तो अक्षांश और देशांतर को कैप्चर किया जाता है, जिससे कि किसी भी चीज़ की, किसी भी वस्तु की, किसी की भी मशीन की एग्जैक्ट लोकेशन का पता किया जा सके, ठीक है ना। किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट लोकेशन का पता करने के लिए हम लोग उसकी जियो टैगिंग करते हैं, जिससे कि हमें उसका लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड मेजरमेंट उसका कैप्चर कर लेते हैं, उसके अक्षांश और देशांतर कहाँ पर, कितने अक्षांश और कितने देशांतर पर वो स्थित है, वो सारी चीज़ें हमको पता चल जाती हैं। लेकिन इस केस में यहाँ पर जो है वो मर्चेंट्स के द्वारा लगाए गए पेमेंट टच पॉइंट की जियो टैगिंग की जाएगी। मर्चेंट्स के द्वारा जो भी पेमेंट्स टच पॉइंट लगाए जाएंगे, उसकी जियो टैगिंग की जाएगी। मतलब कि जो भी पेमेंट्स टच पॉइंट होंगे, उनका लॉन्गिट्यूड, उनका लेटिट्यूड, उनका अक्षांश देशांतर जाना जाएगा कि कहाँ पर वो स्थित हैं, कहाँ पर इसमें काम कर रहे हैं, कहाँ पर वो लगे हैं, ठीक ना। और इस जियो टैगिंग की मदद से काफ़ी सारा डाटा मिल जाएगा, ठीक ना। इस जियो टैगिंग की मदद से काफ़ी सारा डाटा मिल जाएगा। जैसे मान लो कि किसी भी
जियो टैगिंग की मदद से किसी भी पेमेंट टच पॉइंट का डाटा मुझे मिलता है कि ये यहाँ पर है और उसका क्या एरिया है, कहाँ पर वो लगाया गया है, वहाँ पर कितने कितने ट्रांजेक्शन्स हुए, क्या क्या उससे काम हुआ गया, किस तरीके के कस्टमर्स वहाँ पर आ रहे थे, आ भी रहे थे कि नहीं आ रहे थे, कस्टमर का फ्लो कम है या ज़्यादा है, ठीक ना। इस तरीके के जो भी डाटा की हमको रिक्वायरमेंट होगी, जो भी सारी चीज़ें होंगी वो हमको मिलेगा, ठीक ना। और उसी बेस पर, उसी डाटा के बेस पर, जो भी डाटा हमको मिलेगा जियो टैगिंग के थ्रू, उसी के बेस पर हम लोग जो है उस पर, मतलब RBI जो है उस पे करेक्टिव एक्शन भी ले सकेगी, ठीक ना। करेक्टिव एक्शन भी, सुधारात्मक कार्यवाही भी RBI के द्वारा उस पे की जा सकेगी। और ये जो फ्रेमवर्क जारी किया गया, इसमें ये भी कहा गया कि सभी बैंकें और नॉन बैंक PSOs, ठीक ना, इसको किसके लिए यहाँ पर बात की गई थी, सभी बैंकों के लिए और नॉन बैंक PSOs के लिए। PSOs यानी कि पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, ठीक ना, ठीक ना। नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर, नॉन बैंक PSOs हो जाएगा, और बैंकों की तो बात हो ही रही है ना। तो इस फ्रेमवर्क में जो जारी किया गया, इसमें ये बोला गया कि सभी बैंकें और नॉन बैंक PSOs, नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, ये दोनों सभी पेमेंट टच पॉइंट की जियो टैगिंग करेंगे, ठीक है ना। पेमेंट टच पॉइंट की जियो टैगिंग करने की जिम्मेदारी सभी बैंकों को दी गई है और नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को दी गई है, ठीक है। RBI ने ऐसा बोला है कि ये दोनों लोग जो है वो सभी पेमेंट टच पॉइंट्स की जियो टैगिंग करेंगे, जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स को कैप्चर्स करेंगे, ठीक ना, लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अक्षांश देशांतर को कैप्चर करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे, इसके साथ साथ में PUS टर्मिनल और पेपर बेस्ड या फिर सॉफ्ट QR बेस्ड इन सभी की जियो टैगिंग इंफॉर्मेशंस को RBI को सबमिट करना होगा बैंकों और नॉन बैंक PSOs के द्वारा, ठीक ना। इसने बोला गया ना, एज पर द फ्रेमवर्क बैंक एंड नॉन बैंक PSOs पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स वुड कैप्चर एंड मेंटेन जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स फॉर ऑल पेमेंट टच पॉइंट्स, ठीक ना। जो कुछ भी यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया ना, जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई उसी को मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक ना। ये तो मैंने इसलिए दिखा दिया कि आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हो तो ले देते, ठीक है। और जो अगर आप लोग बैच परचेस करेंगे, कोई भी बैच वगैरह परचेस करते हैं, PDF कोर्स लेते हैं, वीडियो कोर्स लेते हैं, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोला गया, इस फ्रेमवर्क में ये बोला गया कि PUS टर्मिनल्स और पेपर बेस्ड या फिर सॉफ्ट QR कोड्स, इन सभी की जियो टैगिंग इन्फॉर्मेशंस RBI को सबमिट करना होगा बैंकों और नॉन बैंक PSOs के द्वारा, ठीक ना। एज पर द फ्रेमवर्क बैंक एंड नॉन बैंक PSOs वुड कैप्चर एंड मेंटेन जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट फॉर दी आर पेमेंट टच पॉइंट्स, ये भी बोला गया। सेकंडली इसमें ये बोला गया कि ऑल्सो जियो टैगिंग इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट टू PUS टर्मिनल्स एंड पेपर बेस्ड सॉफ्ट QR कोड्स शैल बी सबमिटेड टू दी RBI, ठीक ना। जियो टैगिंग की जो भी इन्फॉर्मेशन बैंकों के द्वारा और नॉन बैंक PUSs के द्वारा सेलेक्ट कलेक्ट की गई होंगी, कैप्चर की गई होंगी, उसको RBI के साथ में शेयर करना होगा, ऐसा इस फ्रेमवर्क में कहा गया। और PUS टर्मिनल्स की अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या इसमें आता है, मोबाइल PUS हो जाएंगे, सॉफ्ट PUS हो जाएंगे, टैबलेट PUS हो जाएंगे, डेस्कटॉप PUS हो जाएंगे, सेल्फ सर्विस क्योस्क हो जाएंगे, PUS हो जाएंगे, एंड्रॉयड बेस्ड PUS टर्मिनल्स हो जाएंगे, नॉन एंड्रॉयड बेस्ड PUS टर्मिनल हो जाएंगे ना, इस ये सारे PUS टर्मिनल्स वगैरह हो जाएंगे, ठीक ना। ये सारी चीज़ यहाँ पर बताई गई। पेपर बेस्ड सॉफ्ट QR कोड्स की हम लोग बात करेंगे तो जैसे कि भारत QR हो जाएगा, UPI QR हो जाएगा, ये सब जो है पेपर बेस्ड या सॉफ्ट QR कोड्स में ये लोग आएंगे, ठीक है ना। और इसमें बोला गया था दी फ्रेमवर्क वॉज इशूज ऑन द लाइन्स ऑफ दी मॉनिटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स ऑफ 2021 ऑफ दी 8th of October 2021 8 अक्टूबर 2021 को जो मॉनिटरी पॉलिसी स्टेटमेंट दिया गया था उसमें इन सारी चीज़ों को जिक्र किया गया था और उसी को बेस मानते हुए ये फ्रेमवर्क जो है वो रिलीज किया गया, ठीक है ना। सभी बैंकों को और नॉन बैंक PUS को सभी पेमेंट टच पॉइंट्स की एक्यूरेट लोकेशन को एक्यूरेट लोकेशन के साथ में एक रजिस्ट्री मेंटेन करनी होगी। उसमें ये भी बोला गया है कि देखो, मर्चेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या गया है कि जो मर्चेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस रहेंगी, ऑल बैंक्स एंड नॉन बैंक PUSs शैल मेंटेन ए रजिस्ट्री विद एक्यूरेट लोकेशन ऑफ ऑल पेमेंट टच सिस्टम्स अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस। सभी बैंकों को और नॉन बैंक PUSs को ये बोला गया है कि वे लोग जो हैं, ये दोनों लोग जो हैं, एक रजिस्ट्री मेंटेन करेंगे एक्यूरेट लोकेशन के साथ में, ठीक ना। सभी पेमेंट टच पॉइंट सिस्टम्स की, देश भर के सभी पेमेंट टच पॉइंट सिस्टम्स की एक्यूरेट लोकेशन के साथ में एक रजिस्ट्री मेंटेन करनी होगी सभी बैंक और नॉन बैंक PUSs को, इंक्लूडिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस, ठीक ना। और भी क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें इंक्लूड करना होगा, ठीक है ना। एक्यूरेट लोकेशन की तो रजिस्ट्री मेंटेन करनी ही होगी, इसके साथ साथ में और क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें मेंटेन करना होगा जो रजिस्ट्री मेंटेन की जाएगी, वो भी इसमें दिया गया है, वो उसके बारे में भी फ्रेमवर्क में बताया गया है। तो क्या क्या है वो, ठीक
ठीक ना। देखो उसमें ये बोला गया कि मर्चेंट रिलेटेड कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कैप्चर करनी होगी, जनरल मर्चेंट डिटेल्स जैसे कि नेम हो गया, मर्चेंट का नेम, मर्चेंट आईडी, मर्चेंट टाइप, मर्चेंट कैटेगरी, मर्चेंट कॉन्टैक्ट डिटेल, मर्चेंट पेमेंट एंड एग्रीगेटर इन्फॉर्मेशन, इस तरीके की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसको मतलब उसके लिए एक लिस्ट मेंटेन करनी होगी। मर्चेंट की लोकेशन डिटेल मेंटेन करनी होगी, जैसे कि मर्चेंट का एड्रेस क्या हो गया, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, रेवेन्यू सेंटर, पॉपुलेशन ऑफ रेवेन्यू, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, पॉपुलेशन ग्रुप, टायर, ठीक ना, एक्सेट्रा, इस तरीके से। और पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड क्या डिटेल करनी होगी, दो टाइप की डिटेल जो है वो कैप्चर करनी होगी आरबीआई के सर्कुलर फ्रेमवर्क के अनुसार। पहली हो जाएगी मर्चेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और सेकेंडली हो जाएगी पेमेंट एक्सेप्टेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें जो है कैप्चर करनी होंगी, ठीक है ना, आरबीआई। और ये सब कुछ कैप्चर करने के बाद में आरबीआई को इसका इसका डाटा भी देना होगा, ये सारी चीज़ें। तो अभी हम लोगों ने जाना कि मर्चेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी होंगी, और भी जान लेते हैं कि पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कौन कौन सी डिटेल होंगी। तो जनरल पेमेंट टच पॉइंट डिटेल्स लाइक टर्मिनल टाइप हो जाएगा, सब टर्मिनल हो जाएगा, सब टाइप हो जाएगा, टर्मिनल आईडी हो जाएगी, डेट ऑफ कमेंसिंग ऑपरेशन हो जाएगी, ऑपरेशन स्टेटस हो जाएगा, ठीक ना। इस तरीके की जो डिटेल्स होगी उसको कैप्चर करना होगा। पेमेंट टच पॉइंट लोकेशन डिटेल कैप्चर करना होगा, उसमें टर्मिनल का एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, रेवेन्यू सेंटर, पॉपुलेशन ऑफ रेवेन्यू, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, जियो कोऑर्डिनेट्स, लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक ना, इस तरीके की चीज़ों को भी कैप्चर करना होगा, ठीक ना। और क्या क्या है, ऑल बैंक एंड नॉन बैंक पीएसयूएस शुड रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन ऑन पेमेंट टच पॉइंट्स टू द आरबीआई थ्रू इट्स सेंट्रलाइज इन्फॉर्मेशन सिस्टम सीएमएस इन टेक्स्ट एंड सीएसबी फाइल फॉर्मेट, ठीक ना। तो ये जो हमारी मर्चेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होंगी और जो पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, इसको जो है सभी बैंकों और नॉन बैंक पीएसयूएस के द्वारा कलेक्ट करना होगा। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी आपको बता दिया गया, और साथ ही साथ में इन सभी इन्फॉर्मेशंस को आरबीआई का जो सेंट्रलाइज्ड इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है सीआईएमएस, इसके थ्रू आरबीआई को टेक्स्ट या सीएसबी फाइल के फॉर्मेट में सबमिट करना होगा, ठीक ना। सीएसबी यानी कि एक्सेल के फॉर्मेट में, टेक्स्ट के फॉर्मेट में इसको, इन सारी चीज़ों को सबमिट करना होगा आरबीआई को, आरबीआई के सेंट्रलाइज्ड इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा सभी बैंकों और नॉन बैंक पीएसओस को टेक्स्ट या सीएसबी फाइल फॉर्मेट में पेमेंट टच पॉइंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को रिपोर्ट जो है आरबीआई को देनी होगी। कौन कौन सी रिपोर्ट रहेगी, पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल रहेगी, मर्चेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेंगी, और देखो इसमें कितनी सारी डिटेल्स कैप्चर की जा रही है, ठीक ना। इन सारी डिटेल्स के कैप्चर हो जाने के बाद में आरबीआई कोई भी डिसीजन बहुत आसानी से ले सकता है। जब इतना डाटा आपके पास में रहेगा, मर्चेंट का नाम, मर्चेंट की आईडी रहेगी, मर्चेंट की टाइप रहेगा, ठीक ना, लोकेशन रहेगी, मर्चेंट का एड्रेस रहेगा, स्टेट रहेगा, डिस्ट्रिक्ट रहेगा, रेवेन्यू सेंटर रहेगा, पॉपुलेशन ऑफ रेवेन्यू सेंटर रहेगा, पोस्ट ऑफिस का एड्रेस रहेगा, पिन कोड रहेगा, तो इसमें लगभग सारी डिटेल जो है आरबीआई के पास में पहुंच जाएंगे। तो आरबीआई को पता चल पाएगा कि कहाँ से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है, कहाँ से कम हो रहा है, कहाँ पर कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कहाँ पर किस रेवेन्यू सेंटर पर कितनी पॉपुलेशन है। तो इस तरीके की अगर सारी के सारे डाटा अगर आरबीआई के पास में रहेंगे, तो आरबीआई भी कोई भी डिसीजन, कोई भी करेक्टिव एक्शन को बहुत आसानी से ले सकेगा उसी डाटा के आधार पर, ठीक। तो कुल मिलाकर ये बस इस फ्रेमवर्क से रिलेटेड यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जो हमें जानना था, और मैक्सिमम पॉसिबल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है। हालांकि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन उतना आपको नहीं जानना है। सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को बताई गई हैं, और ये सारी पीडीएफ आप लोगों को पेड बैच में मिल जाएंगी। जो लोग पीडीएफ कोर्स वगैरह परचेज किए हैं वहाँ पर आपको इजीली सारी चीज़ें मिलेंगी, और जिन लोगों ने नहीं परचेज किया, जो भी आप लोगों को बताया गया स्टार्टिंग में, आप लोग इसका स्क्रीन शॉट वगैरह ले सकते थे और नोट्स वगैरह खुद से बनाना चाहें तो आप लोग बना सकते थे। 25 मार्च 2022 को ये फ्रेमवर्क जो है रिलीज किया गया था आरबीआई की तरह, ठीक ना। और ये फ्रेमवर्क जो था पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट्स के लिए, के जियो टैगिंग के लिए ये फ्रेमवर्क था। पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट्स क्या होती है ये आपको बता दिया गया, जियो टैगिंग क्या होती है ये आपको बता दिया गया, ठीक है ना। कौन कौन सी डिटेल कैप्चर करनी होगी ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन में बता दिया गया, और लास्ट में जो है आप लोगों को इसका ऑफिशियल लिंक भी दिया गया है, ठीक ना। लास्ट में इसका ऑफिशियल लिंक भी दिया गया, यहाँ से भी जाकर आप लोग इन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ठीक। तो आज का वीडियो यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग या तो फिर आरबीआई की कोई गाइडलाइन होगी उसको डिस्कस करेंगे, या फिर जो हम लोग वीकली बेसिस पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ते हैं अपने रेगुलर कोर्स में, बैंकिंग मास्टर में, वो सारी चीज़ हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।